सब लोग अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी। हो गई बीवी से बात? सुनाई खुशखबरी, खुश है? हो गई खुश। हाँ होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल तुम्हारी वाइफ होना उसके लिए फखर की बात है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अब तो खुश हो ना? चलो अब अंदर, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो आ जाओ। जान कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ से आ रहे हो? वकील के पास गया था। किस लिए गए थे? विरासत के हवाले से वकील से कुछ डिस्कस कर रहा था। शायद मैंने तुम्हें मना किया था वकील के पास जाने के लिए। जान आप समझती नहीं है, फर्ज करें अगर हम सुहेल के दबाव में आकर जरतुशाह के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा इस तरह की कोई डिमांड नहीं करेगा? ये तो तुम कह रहे हो ना कि फर्ज कर लें, लेकिन अगर हम ये फर्ज कर लें कि वो जरतुशाह के हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे बेहतर बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो क्या जरूरी है कि हम मनफी सोच लेकर ही दूसरों को बुरा भला कहते रहें? मियां जिसकी आप बात कर रही हैं उसके हवाले से कोई भी मुस्बत बात करना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। ज़हीर बेटा, मैं देख रही हूँ कि जरतशा के हवाले से दिन ब दिन तुम्हारा रवैया सख्त से सख्त होता जा रहा है। नहीं मियां, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सुहेल जरतशा को मोहरा बनाकर दोबारा हमें ब्लैकमेल ना करे। कौन कर रहा है ब्लैकमेल? कर तो सकता है ना, जब करेगा तो देखा जाएगा। तुम क्यों अपनी प्रॉपर्टी की वजह से बहन के सामने खामखा छोटे पड़े हो? ठीक है मिजान, मैं आइंदा इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर मुझसे गिला ना कीजिएगा प्लीज। हमें हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम गुमान कर रहे हो। ना करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बहुत पंक्चुअल निकले। बस मुझे लोगों को इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता। पता है ऐसे इंतजार करवाना भी नहीं चाहिए, ये दुनिया के सबसे ज्यादा तकलीफ की सजा है। और हमारे यहाँ ये सजा बहुत कसरत से दी जाती है। शुक्र है कि आप उन लोगों में से नहीं है। नहीं मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं। वैसे सब खैरियत तो है ना? सोबिया मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ज़ारा के ऑफिस में सोहेल क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता। आपके और जतशा के डिवोर्स के बाद मेरा उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। वो आज शाहजैन ने जरतुशाह को देखा और वो कुछ सही नहीं लग रही थी। ओ अच्छा, वो सोहेल ठीक तो है ना उसके साथ? सर मैंने आपको बताया ना कि मैं इतना उन दोनों के बारे में नहीं जानती। क्या हम ज़ारा से किसी तरह पूछ सकते हैं? ज़ारा से कैसे? ऐसे ही बातों बातों में। सर वैसे मुझे नहीं लगता कि हमें पूछना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि आप हमें उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए? नहीं मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन क्या आप बहैसियत इंसान हम किसी की हमदर्दगी नहीं कर सकते? आप प्लीज़ मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना, अगर हो सके तो जरतशाह से मिलकर उसका हाल जानने की कोशिश करें। अगर उसको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो उसकी कर दें, लेकिन मेरा फिक्र नहीं आना चाहिए। जो होना था हो गया, वो अपनी जगह खुश रहे, अब कुछ दिनों में मेरी भी शादी हो जाएगी। आप भी अपने दिल से बात निकाल दें। खैर क्या खाना पसंद करेंगे? कुछ भी। कुछ भी, चले आपको आज इटालियन खिलाते हैं। चले। या अल्लाह खैर, आज बेकरारी से क्यों है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे नोच रहा है, मेरे जख्मों को कुरेद कर फिर से ताजा कर रहा है? लगता है फिर से कोई हादसा खुद को दोहराने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा हो,
मुझ में अब और जख्मों को सहने की ताब नहीं है। मैं तो पहले ही खुद को घसीट घसीट कर जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। कोई और जख्म तो जानलेवा ही साबित होगा। अच्छा है, मर ही जाऊं। जिंदगी का हर आने वाला दिन कसम खाकर आता है कि जाने से पहले वो मेरी मायूसी में इजाफा जरूर करके जाएगा। सना आओ, देखो मैंने कुछ डिजाइन फाइनल किए हैं, तुम भी फाइनल कर लो। आप ही ये भी देख लूंगी। शाम को हमने फाइनल ऑर्डर देना है और तुम कह रही हो बाद में बात कर लेंगे। आप ही पहले ये तो फाइनल कर लेंगे ये सेट पहनाना किसको है। सना तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। सारा को हम पसंद कर चुके हैं और तैमूर ने भी उसे फाइनल कर दिया है। तैमूर का क्या कहना आप ही? आपने जिस काली गोरी पे हाथ रखना है उसने हाँ कर देनी है। आप जानती है ना, तैमूर अपनी पसंद से ज्यादा आपकी खुशी को अहमियत देता है। तो मैंने क्या तैमूर के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की ढूंढी है क्या? ऐसी वैसी नहीं है आप ही, लेकिन ज़ारा ही क्यों, कोई और लड़की क्यों नहीं हो सकती? तुम क्यों ज़ारा के मुकाबले में किसी और लड़की को लाना चाह रही हो? क्योंकि ज़ारा के मुकाबले पे एक लड़की है। वो कौन? मैंने बुलाया है उसे और मुझे उम्मीद है आप ही कि उसको देखने के बाद आप अपने फैसले पर गौर जरूर करेंगी। जान न जाने ऐसा क्यों सोच रही है। अच्छी तरह जानता हूं, यूं बैठे बिठाए जरतशाह को उसका हिस्सा दे दिया तो सुहेल समझेगा कि मैं उससे डर गया हूं। मैं सुहेल को किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। हेलो, जी वकील साहब जहीर बोल रहा हूँ। ठीक है जी, शाम को मिलते हैं। थैंक यू। ओके। वैसे हमारी मीटिंग्स अच्छी रही। हाँ, बहुत अच्छी रही। ओहो, किसकी कॉल है? सिस्टर है मेरी, इस पे और पापा पे भूत सवार हुआ है मेरी शादी का। तो ये तो अच्छी बात है। मैंने कब कहा बुरी बात है।